खालिद व्लॉग्स और मैं हूं खालिद महमूद। एक दफ़ा फिर से आप तमाम लोगों को रमज़ान की पहली सहरी बहुत ज़्यादा वाली मुबारक हो। उम्मीद है आप सब ने रोज़ा रखा होगा और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद आप लोगों का दूसरा रोज़ा खुलने वाला हो या आप इफ्तार की तैयारी कर रहे हो। खैर, हमारा ये आज पहला रोज़ा है और पहली सहरी है, तो हमने अलार्म लगाए हुए थे तो जो ही वो अलार्म रिंग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उठे। और मैं तो पहले भी बहुत लेट सोया था तो अभी मैं कच्ची नींद नहीं था तो अलार्म बज गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ गया। अभी हम तैयारी करेंगे सहरी की। यहाँ पे वो मज़े तो नहीं है जो हमारे मुल्क में होते हैं कि हर तरफ ढोल पीटे जा रहे हैं कि उठो सहरी का टाइम हो गया, आप रंग बिरंगे खाने बना रहे हैं और आपके नेबर्स ने जो कुछ बनाया हुआ है वो भी आप के घर दे के जा रहे हैं, आप उनके घर दे के जा रहे हैं और हर तरफ सुबह जिस टाइम कोई नहीं उठा होता रमज़ान में उस टाइम सारी लाइटें ऑन हैं और सारे घरों से शोर की आवाज़ आ रही है और कोई किसी को उठा रहा है, कोई खाने के लिए कह रहा है उठ जा, अजान होने वाली है उठ जा, रोज़ा बंद होने वाला है। तो ये मज़े तो यहाँ पे हम नहीं हैं, यहाँ पे हम मिस करते हैं, यहाँ पे मौजूद नहीं है। अलबत्ता आजमाइश के वक़्त ही आपकी आप जब पूरा उतरते हैं तो मज़ा भी आता है और ऐसे माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अपने रोज़ों का अहतमाम करते हैं, रमज़ान का अहतमाम करते हैं तो ये भी एक बड़ी खुशबख्ती है। मेरा तो खैर ये काफ़ी तीसरा चौथा रमज़ान होगा मेरा ख्याल है जो मैं घर से बाहर रोज़े रख रहा हूँ मुसलसल नहीं। इससे पहले 2017 में जब मैं इस्लामाबाद था तो तब भी 2 साल लगातार हमें इवन एग्ज़ाम्स होते थे हमारे तो रमज़ान हमें बाहर ही गुजरा तो हमारी तो रूटीन है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने मुल्क को अपने घर को यकीनन याद करते हैं और बहुत ज़्यादा याद करते हैं। खैर अभी मैं बनाऊंगा सहरी, बल्कि वही चीज़ें जो रात को हमने बनाई थी इसीलिए बना ली थी ज़्यादा कि सुबह इस टाइम चूँकि टाइम भी नहीं इतना होता और वैसे भी रात को अभी सोए थे अभी उठे हैं तो हमने वो चीज़ें बस गर्म करनी है और रोज़ा रखने। और आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ आज अपने फर्स्ट रमज़ान की पूरी रूटीन शेयर करनी है कि कैसे हमने पहला रोज़ा रखा, उसके बाद सारा दिन क्या किया और इफ्तार का टाइम जब होगा तब तो शायद हम अपने काम पे हों वहीं पे इफ्तार करेंगे, लेकिन फिर भी सारे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। वॉइस भी उठ रहे हैं वो भी आते हैं इंशाल्लाह। आप करें चैनल को सब्सक्राइब और मैं चेंज कर लूँ शर्ट क्योंकि इसमें बहुत ठंड लग रही है और फिर बाकी रूटीन आपके साथ चलते हैं लेकर, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं आपसे। ये मेरा लड़का भी उठ गया और एग्जैक्टली वही बात कर रहा था जो मैं कर रहा था कि यहाँ क्या नहीं होता सुबह सुबह अल्लाह ने भी प्यार नहीं हो टोल पिटन वाले भी नहीं आए। मैं तो बाहर खिड़की तो देख रहा हूँ मैं सुबह सुबह कोई आ जाए रोजेदार हो। हाँ जी राती ओ साढ़े पिंड एक जला मौलवी होता रहा उस राती ऐलान करता रहा ना वो समझ आती रही है की कह रहा है अलबत्ता समझ आ जाती रही है कि रोजा खुल गया बस। और एक बार दोपहर ही बोल पे आधे लोगों ने जो रोजा खोल लिया सीरियसली एंजॉय आ गया असर टाइम कि काम लिए उंज उन्हें कोई ऐलान करना ही बस तो पिंडा के लोग तेन पता है किड़े कोई अड्डे साढ़े आल लेखा पढ़े लिखे होंगे ने। चलो खैर करो जल्दी जल्दी सैरी। और वलीद रखना उन्हें रोजा की कहना है पानी पी करो हाँ आपने चाय वगैरह नहीं बनानी यार लेट हुआ दो चार मिनट नहीं बनाओ अभी है टाइम चाह दही रोटी भी आज लेके आऊंगा मैं रात में ना बकेट बड़ी ले आएंगे
ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਜੁਆਵੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਜਨਰਲ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਾਸ ਚੁਕੜਿਆ ਜਨਰਲ ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਮੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ बेड के नीचे पड़ा है उसमें ले आओ। लड़का मेरा मुझे कह रहा है कि भाई मैंने कभी दही और चाय के बगैर रोजा नहीं रखा था और यहाँ पे वैसे बेचारे ने सिंपल सिर्फ खाना खाया है और रोजा रख लिया है। खैर मैंने तो रात को ही सालन बना लिया था आपके सामने ही और वो मैं अभी खा रहा हूँ। चाय मैं वैसे ही नहीं पीता, मैं पाकिस्तान में भी चाय वगैरह नहीं पीता था, अलबत्त दही और लस्सी को जरूर मिस कर रहा हूँ मैं। तो सहरी शहरी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर ली है और अभी नमाज़े फजर का वक्त हुआ चाहते हैं, नमाज पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा और मेरे बाद वलीद भाई और अहमद भाई भी। और बकर भाई चला गए हैं हमारे अपने कज़न के पास क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं रमज़ान वहाँ पे गुजारूंगा, उनकी फैमिली थी यहाँ पे। तो मैंने कहा लोगों ने बाद में कमेंट्स करने हैं कि भाई वो तीसरे चौथे भाई कहाँ पे हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता देता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी हमारी हुई मुकम्मल, नमाज सबक पढ़ के भी हम फारिग हो गए हैं और अहमद भाई वैसे अभी पढ़ रहे हैं और वलीद भाई ने अभी उठने, अभी दोबारा से मैं लगा हूँ सोने क्योंकि हम बहुत लेट सोए थे और फिर अभी दोबारा उठे हैं, सहरी की है और एक दफ़ा फिर से जो है वो दोबारा सोने और फिर तो वो उठेंगे। बाहर अगर आप देखें तो ये देखें मुकम्मल खामोशी है। और एक गवंडियो उठो, रोज़ा रखो ना ना किसी को कोई नहीं है जी, यहाँ पे इसको बंद करो ना, ओके कोई हमारे ऊपर है भाई ऐसे यार कटवा दे। तो चलते हैं जी, अब आपको मिलते हैं उठने के बाद दोबारा से जब पूरा दिन चढ़ा होगा। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद, सुबह बखैर, सुबह रोशन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और सूरज बहुत कमाल का निकला है। जब हम सुबह उठे थे तब तो गहरे बादल छाए हुए थे लेकिन यहाँ इंसानों का और मौसमों का आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, एकदम से तब्दील हो जाते हैं। तो अगर आप देखें अभी तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा, बादल अलबत्त अभी भी छाए हुए हैं लेकिन इसके साथ साथ जो है वो अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है। लड़के सुबह जब उठे थे तो वो जल्दी ही काम पे चला गए थे और मैं अभी उठा हूँ तो मैं भी अब हसूले तलाशे रिस्क के लिए निकलूँगा। गाड़ी मैंने वहाँ पार्क की हुई थी तो मैंने स्टार्ट कर दी। अब एक मज़े का वाकया मेरे साथ पेश आया जो अक्सर ही हमारे लोगों के साथ रमज़ान के शुरू में आता है, वो क्या आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये गाड़ी जब मैंने खोली तो सामने ये स्नैक्स पड़े हुए थे। अक्सर जब मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ अपना तो मैंने ये साथ रखे होते हैं तो वो थोड़ा बंदा चंक बाय चंक थोड़ा लेता रहता है। तो अभी भी मैंने जब दरवाज़ा खोला सुबह, मैंने आके इनको पकड़ा ऐसे हाथ में और फिर मुझे याद आ गया कि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है तो पुल लेखे अल्लाह लेखे। तो खैर अभी मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, इंशाल्लाह आप लोगों से बीच में मुलाकात होती रहेगी। ज़िंदगी यहाँ पे नॉर्मली जो है वो रवा नवा है, कोई इतना किसी को पता नहीं है। खैर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ करूँ, ख़ास तौर पर जो स्कॉटिश हैं या ब्रिटिश लोग हैं उनसे पूछा जाए थोड़ा रमज़ान के बारे में कि भला लोगों को कितनी आगाही है। इंशाल्लाह इस पे भी मैं काम करूंगा, अभी भी आपने हमारे साथ रहने। लो जी पहले ही रोज़े में इतनी ऊंची बिल्डिंग की मुझे डिलीवरी आ गई हुई थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे एलिवेटर लगा हुआ है। तो अभी हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे नीचे और ये शख्सियत देखी देखी लग रही है, मतलब कहीं ना कहीं देखा है इन्हें। तो खैर अभी हम जा रहे हैं नीचे और अभी किस किस इमारत में हम ये ग्राउंड पे आ गए, बल्कि पहुंच गए हम लोग। खोलो जी, खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा। लो सिम सिम खुल गई और यहाँ से हम जाएंगे दूसरी तरफ। खोलो दरवाज़ा बाहर, और मुझे लग रहा है मैं गलत साइड पे आ गया हूँ, गाड़ी मेरी दूसरी साइड पे खड़ी है। अच्छा ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे अभी मैं फ़ूड डिलीवर करके आया हूँ। खुली बोतलें थी बीच में, पेप्सी की, कोको कोला की, फंटा की, सारी चीज़ें मैंने समेटियाँ और जाके उनके दरवाजे पे रख के आ गया हूँ मैं। आज मैंने बस मैंने कहा जी आज बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है अपने रोज़े की भी और बाकी चीज़ों की भी। अब मैं जब लिफ्ट में गया तो वहाँ पर ना एलिवेटर के ऊपर 10 पेंस पड़े हुए थे,
10 पेनीज। तो अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे कभी अगर कोई मतलब मिलते हैं ये सिक्के सुके मिल जाते हैं तो हम उठा लेते हैं कि चलें कोई नहीं, पता नहीं लभी चीज़ खुदा दी, दूसरी दफ़ा ये बात हो गई है। लेकिन आज मैंने वो पकड़े, मैंने चेक किया कितने हैं, 10। मैंने कहा ना 10 के पीछे नहीं, हमने रोज़ा ख़राब करना ना ईमान ख़राब करना है। मैंने वहीं पर रख के लिफ्ट से मैं नीचे उतरा हूँ और बाहर आ गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ अब अपने अगले काम की तरफ। जी तो नाज़रीन, रात के इस टाइम हो रहे हैं तकरीबन 12 और हल्की सी बारिश फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई। इफ्तार हमने किया था जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे, बड़ा अच्छा इंतज़ाम था क्योंकि मेरे बॉस भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो एक घर जैसा माहौल था, बहुत मज़ा आया। खैर अभी मैं निकलूँगा अपने घर की तरफ और यहाँ मैं खड़ा हूँ एक दरिया के किनारे, आप देख रहे होंगे बहुत दिलकश मंज़र है, आपको तो खैर कम नज़र आ रहा होगा क्योंकि इस टाइम है अंधेरा, बहुत अंधेरा। तो खैर आपको मैं मिलता हूँ गाड़ी में और एक इंतहाई दिलचस्प वाकया भी आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे याद आया इस हल्की हल्की बारिश से। जी तो जिस वाकये का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, अभी ये हुआ कि मैं सामने एक जगह पे गया हुआ था, सामने दरिया के दूसरी तरफ, तो वहाँ एक पुल आता है, तो मैं बारिश चूँकि आपने देखा हो रही है तो जब मैं पुल के नीचे से गुजरा तो वो बारिश नहीं हो रही थी, तो मुझे उससे वो बात याद आ गई। 2017 में मेरा और इमरान का दाखला होता है जी शमसाबाद एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। रात के 12 बजे हम पहुंचते हैं, पहली दफ़ा इस्लामाबाद देखा हमने, छोटे शहरों के लोग हैं हम लोग, तो इस्लामाबाद में हमने शमसाबाद से टैक्सी करवाई और उसको बताया कि फ़लाँ एड्रेस पे हमें छोड़ आए। बहुत तेज़ बारिश हो रही हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो। खैर हमने अपने सामान गाड़ी में उसकी रखे टैक्सी में, मैं उसके साथ बैठ गया फ्रंट सीट पे, इमरान पीछे बैठ गया और बारिश बहुत तेज़। अच्छा अचानक क्या होता है कि एक जगह पे बिल्कुल बारिश बंद हो जाती है, ज़रा भी नहीं हो रही होती। तो मैं ड्राइवर की तरफ देखता हूँ और बड़े इन्हेमाक से उसको कहता हूँ भाई देखें अल्लाह की कुदरत है, पीछे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और यहाँ कतरा भी नहीं है बारिश का। तो ड्राइवर ने ऐसे मेरी तरफ देखा, ऐसे उसने कहा भाई ने उत्ते मेट्रो का पुल है, तुसी थलों दी जा रहे हो। अच्छा दैट वॉज द मोमेंट वैन आई फील अ टन ऑफ एम्बेरसमेंट, रियली टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ना हंसने जोगा ना रोने जोगा उसके सामने, वाकई में हम फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे थे और बारिश कहाँ होनी थी, आगे गए तो जब फिर सड़क पे तो फिर उतनी बारिश। तो खैर मैं कुछ नहीं बोला उस बंदे के सामने पूरा सफर फिर, लेकिन इमरान जो है वो अपनी हंसी छुपाने की और मेरी शर्मिंदगी कम करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं अभी उस पुल से जब अभी गुजर रहा था तो मुझे वो वाकई याद आ गया। वक्त गुजर जाता है लेकिन आपकी जो यादें होती हैं, आपकी जो मेमोरीज होती हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। और कुछ ऐसे वाकयात होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके जहन में नक्श हो जाते हैं। और उसके बाद भी आई वॉज रिमेंबर दिस थिंग थाउजेंड ऑफ टाइम्स इवन एंड आई ऑलवेज व्हेन आई इमेजिन द मोमेंट आई वॉज ऑलवेज लाफ्ड अलॉट। और अभी भी यही हो रहा था कि मैं हंसते हुए आ रहा था कि मैंने आप लोगों के साथ ये वाक्य शेयर कर लें। तो इसी के साथ चूंकि ऊपर बहुत टाइम हो गया और लड़के सो रहे होंगे तो यहाँ पे ही आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। हमारा अगली सैरी का अल्हम्दुलिल्लाह वक्त हुआ जाता है और मिलते हैं आप लोगों से कल परसों या किसी और दिन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।